नमस्कार, आप सभी का रियासी से स्वागत है। इस समय हम गणेश मंदिर मेन बाजार रियासी में मौजूद है और दिवाली के मौके पर बहुत सारे लोग आज खरीदारी करने के लिए पहुंचे थे और अलग अलग जो दिवाली से जुड़ा सामान है उसकी खरीदारी तमाम लोग कर रहे हैं। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है और इस मौके पर खास तौर पे काफ़ी सारी शॉपिंग भी की जाती है क्योंकि कल पूजा भी की जाती है और उसके लिए भी काफ़ी सारा सामान जो पूजा का सामान है वो भी लोग खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, इसके साथ ही अन्य तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो खरीदते हैं, मिठाइयों की खरीदारी होती है। और ये नीचे आप देख सकते हैं ये तमाम ग्राहक हैं जो यहाँ पर भगवान की तस्वीरें खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं क्योंकि दिवाली का त्यौहार है। कल तमाम घरों में जो लोग भी दिवाली का पर्व मनाते हैं और वहाँ पर मूर्तियाँ खरीदी जा रही हैं ताकि घर पे ये भगवान की मूर्तियाँ लेकर जाए और पूजा की जाए, इस खास मौके पर नई नई मूर्तियाँ भगवान की खरीदी जाती हैं। ये तमाम लोग हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, कुछ युवतियाँ हमारे साथ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आपसे बात करेंगे, क्या पर्टिकुलर आज खरीदारी के लिए, क्या करने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे? हम दिवाली का सामान लेने के लिए आए हैं, मिठाई वगैरह, पटाखे वगैरह, माता के फोटोज वगैरह। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं और किस तरह से इस बार दिवाली मनाने जा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कोविड भी था तो मार्केट पर भी उसका असर था, ज़्यादा लोग बाहर भी नहीं निकल रहे थे। इस बार क्या अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की जाएगी? हाँ, इस बार अच्छे से की जाएगी। मेरा नाम कशिका राजपूत है, हम यहाँ नीचे से आए हैं। तो सारी शॉपिंग आज ही करेंगे या कल भी कुछ शॉपिंग करेंगे? नहीं, आज ही करेंगे। किसके, पापा के साथ आए हैं? हाँ, पापा के जी साथ। जी, अभी तक क्या क्या खरीदारी की? अभी मैंने मिठाई वगैरह लिए, फोटो वगैरह ले रहे हैं और भी सामान ले रहे हैं। जी जी, पूजा अर्चना के लिए फोटो, नई नई फोटो। जी, शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो ग्राहक पहुंच रहे हैं, सुदेश पंडोत्रा जी भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुदेश जी यहां आ जाए ताकि जो पीछे तमाम सामान है वो भी तस्वीरों में दिखता रहे। तो सुदेश जी क्या कहना चाहेंगे, कल दिवाली है और पिछला साल जो था कोविड का असर खासा, अच्छा खासा असर था, इस बार थोड़ी राहत है। कोविड के केसेस जो है रियासी की बात करें तो ना के बराबर हैं और देश में भी पहले के मुकाबले में जो असर है कोविड का बेहद कम हो चुका है। तो इस बार क्या खुल के दिवाली आप क्या देख रहे हैं, लोग खुल के दिवाली बनाएंगे, अच्छे से दिवाली मनाने जा रहे हैं और अच्छे से शॉपिंग भी होते हुए दिखी, या हल्का फुल्का असर शॉपिंग पर दिख रहा है, कम मात्रा में लोग पहुंचे? नहीं, पूरे दिन आज आप दुकान पर भी बैठे थे, ये भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, देखो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस साल कोविड का असर कम है लेकिन दिवाली जो है वो उस पर रश बहुत कम है, क्योंकि या तो ये महंगाई का भी थोड़ा बहुत असर है, बाकी कोविड का असर भी था क्योंकि उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कोई काम करके कमा सके, कुछ लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए कोविड की वजह से। तो लेकिन मैं सबसे पहले इस साल जो दिवाली है इसके लिए मैं रियासी नगरवासियों को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ दिवाली के लिए, जो कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका जो एहतराम कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमें इस दफ़ा दिवाली में ज़्यादा सबसे खुशी ये मिल रही है कि हमारी दुर्गा नाटक मंडी जो रियासी की है और वो आप लोगों द्वारा जो कि उसको इतना हाईलाइट किया गया कि आज अयोध्या में वो जो है कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गई हुई है, इस महीने में भी खास है इस बार। हाँ, इसलिए हम दिवाली को इस दिवाली को खास दिवाली के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए कि कल वो अयोध्या में होगी हमारी दुर्गा नाटक मंडली और उसके बाद परसों वो जो अपना परफॉर्मेंस वो वहाँ पर दिखाएगी और हमें उम्मीद है कि वहाँ से वो कुछ अच्छे परिणाम उसको मिलेंगे हमें दुर्गा नाटक मंडली को। और उसके लिए मैं आपको, खासकर अंचल जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उसको जो लाइव जो टेलीकास्ट किया उसकी जो हमें ज़्यादा उसका फ़ायदा मिला और आज हमारी दुर्गा नाटक मंडली क्लब जो है जम्मू कश्मीर की तरफ से वहाँ नुमाइंदगी कर रही है, तो इसका श्रेय मैं आपको देना चाहता हूँ। बाकी उन जो कलाकार, रौनक थोड़ी फीकी थी, आप ये कह रहे थे इस बार इतना जितना होना चाहिए, जितनी उम्मीद थी उससे कम थे, हम देख रहे थे आप भी पूरे सुबह भी दुकान में बैठे थे, अभी भी दुकान में। नहीं देखो, वो बात अलग है, काम थोड़ा कम था और कल मुझे उम्मीद है कि कल जो है दिवाली बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, अच्छा रश पड़ेगा, लोगों को रोजगार, जो लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं ये अच्छे तरह से सामान इनका बिक्री होगा, अच्छी तरह दिवाली लोग मनाएंगे। लेकिन
उसमें ये है कि बाकी काम जो चलता रहता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, इसकी कोई ऐसी टेंशन नहीं है। अच्छे तरह से दिवाली जो साल निकल जाए, इसमें जो कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ, जो मृत्यु हुई है, उसका हमें बहुत ज़्यादा खेद है। और उसके साथ साथ मैं दिवाली की रियासी की जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम उनकी जो मंगल कामना पूरी करें और दिवाली हमारी अगली दिवाली भी जो खुशियों के साथ आए। धन्यवाद। पंडित जी भी गणेश मंदिर के हमारे साथ हैं और मंदिर के ठीक बाहर हम खड़े हैं, तो वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कल दिवाली है और इस बार काफ़ी जोश देखा जा रहा है, और क्योंकि पीछे कोविड गया, अब भी हालांकि कोविड के केसेस हैं लेकिन असर बहुत कम है, कि कैसे देखते हैं, अच्छे से मनाएंगे लोग दिवाली इस बार, और आप कैसे मनाने जा रहे हैं? मैं सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं रियासी वासियों को, जम्मू वासियों को, पूरे देशवासियों को देना चाहता हूँ। तो हर देखिए जे समय जो है वो एक जैसा नहीं है, रहता है उतार चढ़ाव समाज में देश में होता रहता है। ये कोविड की वजह से इस बार इस साल में, पिछले साल में भी दिवाली जो थी वह भी थोड़ी ऐसे ही निकली थी, तो इस बार भी थोड़ा जितना रश दिवाली में या करवा चतुर्थी में या ऐसे त्योहारों में होता था आमतौर पे, वो कोविड से पहले जितना होता, हाँ वो वैसा दिखने में नहीं दिख रहा है मार्केट में। तो चलो सभी लोग आए मार्केट में शॉपिंग करें और अपने अपने घर में दीपक प्रज्वलित करें, तो अच्छे तरीके से माँ लक्ष्मी का वेलकम करें, तो सबकी मनोकामना पूर्ण हो। चलिए, तो आप किसी कोई खास तरीके से दिवाली मनाएंगे या जैसे पहले मनाते हैं उसी तरह से? नहीं, हमारी दिवाली तो हर तरह बराबर ही रहती है और वैसे ही बनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे गणेश जी के मंदिर में, तो वैसे ही घर भी जाएंगे परिवार वालों को पास दिवाली मनाने। बिल्कुल बिल्कुल, हर साल की तरह जैसे हम बनाते हैं तो वैसा ही बनाएंगे। जी जी, चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ और जो ग्राहक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और बहुत से लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो अपना सामान बेच रहे हैं, जो दिवाली के त्योहार से जुड़ा हुआ सामान है और दिए देख सकते हैं, क्योंकि कल लोग अपने अपने घरों में दिए जलाएंगे, मोमबत्तियाँ जलाएंगे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट कर जब अयोध्या वापस पहुँचे थे तो उनके आने की खुशी में वहाँ तमाम अयोध्या नगरी के हर एक घर में दिए जलाए गए थे। तो उसी उपलक्ष्य पर दिवाली का ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर दिए रखे गए हैं और स्टॉल लगाए गए हैं और लोग भी खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। और ये जो दुकानदार हैं इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से इनका कारोबार आज का दिन रहा, जो जिस तरह से दिवाली की रौनक होनी चाहिए बाज़ार में वैसी रौनक दिखी है या कम मात्रा में जो ग्राहक हैं वो पहुँचे हैं। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कुछ लोग पहुँचे हैं, वो खरीदारी कर रहे हैं, एक युवती हैं, उनके साथ में एक युवक हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं, कहां से आप आए? प्रीति शर्मा मेरा नाम है। जी प्रीति, क्या खास तौर पर आप खरीदारी आज कर रहे हैं? क्या सिर्फ दिए लेने अभी आए हैं और भी खरीदारी की है या कल करेंगे? आधी कल करेंगे, आधी आज भी करेंगे। क्या खुशी है, कल दिवाली है, थोड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि बच्चों में काफी क्रेज रहता है फेस्टिवल्स का? हाँ, खुशी तो होती है। क्या क्या करेंगे कल के दिन? रंगोली बनाएंगे, साथ में बम पटाखे फोड़ेंगे। मेन बम पटाखे बच्चों के लिए रहते हैं थोड़े। और रंगोली कलर्स जो हैं खरीदारी कर ली है या कल खरीदारी करेंगे? और क्या रंगोली बनाने जा रहे हैं इस बार? खुद बनाएंगे? हाँ। हर साल बनाते हैं? हाँ जी। तो इस बार कुछ खास भी करेंगे क्योंकि पिछले साल थोड़ा कोविड था और मार्केट में भी नहीं निकल सकते थे या फिर अच्छे से बाहर लोग नहीं निकलते थे क्योंकि थोड़ा डर भी था, इस बार अच्छे से दिवाली मनाने जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। अभी आपने दिए परचेज किए हैं यहाँ? हाँ जी जी। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो जो दुकानदार हैं जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं स्टॉल्स लगाकर तमाम सामान, उनसे भी बातचीत करने की, सर आपसे बात करेंगे, कौन सा स्टॉल है आपका? ये ये वाला स्टॉल है। क्या क्या रखा है आपने, क्या क्या खरीदारी कर? स्टॉल आपका ये है, भगवान की तस्वीरें आपने यहाँ लगाई है? मैंने ये लक्ष्मी महारानी की लगाई है, राम दरबार है, और ये कृष्ण जी की है, बचेल चंडी माता की है तस्वीरें। लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा काम नहीं हुआ है, रौनक थी लेकिन जो पहले हुआ करती थी अब थोड़ी कम है, उतनी रौनक नहीं है जो कोविड से पहले आम जब पहले हुआ थी दिवाली के, जो 2 साल पहले या 3 साल पहले या हुआ करती थी,
थी लेकिन उससे कम है अभी। तो आपको ये आइडिया था कि इतनी रौनक नहीं होने वाली है? हाँ, इसलिए हमने सामान भी हमने कम ही बनाया इस बार। तो वैसा कम फिर भी ठीक ही रहा, लेकिन उम्मीद से कम रहा है। अब क्या उम्मीद है, क्या अभी भी लोग आएंगे? हो सकते नहीं, कल का दिन जो है ना, कल ज़्यादा आएंगे, कल सेल हमारी ज़्यादा हो, थोड़ी हो सकता है ज़्यादा हो जाए। भगवान की मूर्तियाँ हैं, बिक जाएंगी, ये तस्वीरें हैं, बिक जाएंगी, उम्मीद है। और आपकी दिवाली भी अच्छी रहेगी। और क्या खास करेंगे इस दिवाली के मौके पर? दिवाली के मौके बस वही जो बम पटाखे चलाते हैं, और क्या करना। आप भी चलाते हैं? जी 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 जी। चलिए, तो आपसे जानना चाहेंगे, आपका स्टॉल उस तरफ है? ये भी मेरा स्टॉल है। ये भी कैसी आपकी चल रही है दिवाली? क्या बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, बहुत रौनक बहुत है, पर मार्केट मंदी है यार। मैं हाँ, बहुत थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मंदी है मार्केट। मार्केट में मंदी थी, लेकिन आप दिवाली अच्छे से मनाएंगे? हाँ, बिल्कुल। तो दिवाली के लिए पटाखे जो कल खरीदारी करेंगे या फिर खरीदारी कर ली? नहीं, कर ली है, कुछ बकाया भी होगी वो कल भी लेंगे। और किस तरह से दिवाली इस बार मनाने जा रहे हैं आप? जैसे हर साल मनाते हैं। हाँ, खुशी है दिवाली की। अब क्या उम्मीद है, ये जो सामान आपने रखा है कल भी बिकेगा? कल मेन दिन होगा, कल खरीदारी सबसे ज्यादा? कल मेन दिन होगा ना, कल हमको पूरा जो हमने इतना माल डाला हुआ है, जो सामान रखा हुआ है, हमको दिवाली वाले दिन ही हमने बेचने की कोशिश करनी है। चलो थोड़ा बता, लोग दो दिन पहले भी लेते हैं, पर हमको ज़्यादा है कि मेन दिन दिवाली वाले दिन। हाँ, दिवाली वाला ही दिन। तो आपको उम्मीदें हैं कि कल जो सामान आपका अच्छे से बिके? हाँ, बिल्कुल। चलिए, उम्मीद यही करते हैं सामान बिके और अच्छे से दिवाली बने। एक और शख्स हमारे साथ है, ये भी खरीदारी करने पहुँचे हैं। आपका नाम, कहाँ आप रहते हैं और क्या खरीदारी करने पहुँचे? हम दिवाली के लिए दिए खरीद रहे हैं, मिट्टी के दिए। हाँ, तो और क्या क्या खरीदारी करेंगे? क्या पटाखे जो हैं वो भी खरीद लिए हैं या अभी नहीं लिए हैं? अभी कल देखते हैं। और किस तरह से इस बार दिवाली मनाएंगे, क्योंकि पहले कोविड भी था और कोविड के दौर में इतने अच्छे से लोग दिवाली नहीं मना पाए थे, बाहर नहीं निकल पाए थे और ज़्यादा खरीदारी भी नहीं कर पाए थे, इस तरह से बाजार भी रौनक भी नहीं। दिवाली तो अभी वैसे ही मनाएंगे, प्रिकॉशंस तो लेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा पहले हाँ ध्यान रखेंगे। पटाखे खुद भी चलाते हैं या सिर्फ बच्चे चलाते हैं? नहीं, खुद भी चलाते हैं, बच्चे देखते हैं। मैं बस जलाता हूँ। शुभकामनाएं देंगे दिवाली की तमाम जो दर्शक हमारे। जी जी, मैं चाहूँगा मेरी तरफ से दिवाली की सभी की दिवाली अच्छी रहे, सुखद रहे, और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। संगठन के नाम भी एक बात निकल कर सामने आई है कि दिए जलाने की कोशिश करनी चाहिए। जी जी, जिन्होंने बिल्कुल हमारे लिए देश की सुरक्षा, बिल्कुल जो जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी है, तो उनको हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए। तो हमें उन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मामलों में जहाँ उनको कोई ऐसे सेलिब्रेशन करने चाहिए उनके नाम पर, जिससे उनको भी लगे कि कोई हमें याद कर रहा है और हमें अपने देश के लिए जो अपनी जान दी है उसका उनके परिवार वालों को भी लगे कि बिल्कुल। आप हैप्पी दिवाली कहेंगे? बोलो हैप्पी दिवाली, बोलो, नहीं बोलेगा जी। चलिए, छोटा बच्चा है। और शहीदों के नाम के दिए भी चलाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान जो है वो दिया है, तो उन्हें भी याद इस खास मौके पर जरूर करना चाहिए। जब भी सेलिब्रेशन होता है, उस खास मौके पर शहीदों को जरूर याद करना चाहिए। तो कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ और जो ग्राहक हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक और शख्स है, इनसे बातचीत करेंगे लाइव। आप इस समय रियासी अपडेट्स में हैं, क्या क्या खरीदारी हम देख रहे हैं, आपके हाथों में सामान है, क्या क्या खरीदारी की है और क्या क्या खरीदारी करने आप यहाँ पे पहुँचे? दिवाली है, दिवाली के अवसर पर जो नॉर्मल खरीदारी होती है वो। शादी के बाद पहली दिवाली आप मना रहे हैं या दूसरी दिवाली? सेकंड दिवाली। दूसरी दिवाली है, अच्छी रहने वाली है आपकी दिवाली? बिल्कुल। खर्चा भी होने वाला है? चलो वो तो चलता रहता है, खर्चा करेंगे अच्छे से दिवाली। बिल्कुल। तो अभी क्या परचेज कर रहे हैं, तस्वीरें जो भगवान की हैं वो परचेज कर रहे हैं? हाँ, लक्ष्मी माता की तस्वीर होगी, जैसे भगवान की होगी, घर में लक्ष्मी का आना जरूरी होता है शादी के बाद। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो घर पे माता की और अन्य जो भगवान हैं उनकी तस्वीरें परचेज वो कर रहे हैं, और भगवान में लक्ष्मी का आना जरूरी होता है, ये बात इन्होंने कही। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं ये भी एक स्टॉल है, और माता की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। ये जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गणेश मंदिर के ठीक बाहर की जो सीधी तस्वीरें हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं, और यहीं पर ज़्यादातर मात्रा में जो स्टॉल्स हैं वो लगे हुए हैं, और भगवान की तस्वीरें हैं, इसके साथ ही दिए हैं और दिवाली से जुड़ा अन्य सामान भी है, और कुछ बर्तन भी यहाँ पे रखे हुए हैं।
और लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ख़रीदारी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये कहा गया जब भी हमने दो चार लोगों से बात की कि इस बार उतनी अभी तक रौनक तो बाज़ार में देखने को नहीं मिली जितनी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन कल का दिन भी है, कल दिवाली है और उम्मीद ये है कारोबारियों को कि कल के दिन अच्छी संख्या में लोग बाहर निकलेंगे और दिवाली के लिए ख़रीदारी करेंगे, परचेज करेंगे, सामान खरीदेंगे और उनकी दिवाली भी, जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, जो स्टॉल लगाकर अपना सामान बेच रहे हैं, उनकी दिवाली भी इस बार अच्छी जाएगी। तो चलिए कुछ आगे की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं दुकान भी सजाई गई है और कल भी कुछ और दुकानदार भी अपनी दुकानों को इस तरह से, उनकी दुकानें आप सजी हुई देख सकते हैं। तो बर्तन बाहर लगाए गए हैं, आज के खास मौके पर दुकानें बाहर निकाली होती हैं, सजाई होती हैं और बर्तन बाहर लगाए गए हैं, चेयर्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी है, तो ये देख सकते हैं। और रौनक किस तरह से है, किस तरह से कार्य चल रहा है, क्या दिवाली के मौके पर ग्राहक ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं या ज़्यादा काम नहीं है? ज़्यादा काम नहीं है इस बार, बहुत कम। उम्मीद थी उस तरह जो उम्मीद थी भी 60% भी काम है। कुछ खास दिवाली के मौके पर कुछ खास सामान आपने लाया था, ये दुकान है आपकी जो? जी हमारी है। कुछ खास आपने सामान लाया था, सूट लाए थे कि दिवाली पर? दिवाली के लिए स्पेशल लाए थे, 50% छूट भी कर रहे थे, बाकी काम नहीं हुआ इस बार कुछ। अब कल के उम्मीद है कि कल दिवाली है तो कल ग्राहक पहुँचेंगे, देखते हैं जी, अगर उम्मीद तो है कल की, चलिए लास्ट दिन है जी। चलिए तो गिफ्ट शॉप्स भी यहाँ पे हैं, देख सकते हैं बाहर सामान निकाला हुआ है। और दोपहर की अगर बात करें तो अभी तो काफ़ी कम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन दोपहर के समय काफ़ी संख्या में ग्राहक भी पहुँचे थे, लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना है, दुकानदारों का कहना है कि जितनी उन्हें उम्मीद थी उतनी मात्रा में लोग यहाँ पे नहीं पहुँचे। आपसे बात करेंगे लाइव इस समय रियासी अपडेट्स में चल रहा है, गिफ्ट हाउस आप चलाते हैं, क्या जो सोचा था उसी तरह से ग्राहक पहुंचे हैं या कम मात्रा में थे या फिर उससे अधिक थे जो सोचा? सर कम मात्रा में थे। कम मात्रा में, उम्मीद से कम थे, बहुत कम थे। खास आपने सामान इस बार दिवाली पे लाया था या पहले का जो सामान था वही रखा था? या लाया था मगर बिका नहीं, अभी नहीं बिका। कल क्या उम्मीदें हैं आपको, कल पहुँचेंगे? कल सबसे ज़्यादा काम होगा या फिर आज पहले दिन ज़्यादा काम होगा? सर आज ही होता है, पहले दिन होता है, पहले दिन होता है। लेकिन अब कल के क्या उम्मीदें हैं, पहुँचेंगे ग्राहक? सर बहुत कम। क्या लगता है क्या, क्यों कोविड का थोड़ा सा जो असर था अभी, हालांकि कोविड के केसेस नहीं है, क्यों लोग बाहर नहीं निकले, या जो लंबा एक काल चला है 1.5-2 साल का, उसमें लोगों को काफ़ी फाइनेंशियली झटके लगे हैं, नुकसान हुआ है, तो वो कारण भी हो सकता है? कोरोना की वजह से ही है, पैसा नहीं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ऊपर से महंगाई बहुत है जी। चलिए तो ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें यहाँ की भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वाले गेट में ये सबसे अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, ये 250 लगेगा। ये भी 250 है, ये ऊपर 200 ही होगा। आप काम नहीं करोगे? तो चलिए एक और दुकान में चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। लाइव इस समय आप रियासी अपडेट्स में हैं, कपड़े का कारोबार है आपका, दुकान चलाते हैं आप, किस तरह का रहा कारोबार, क्या जो सोचा था दिवाली में जितना काम होगा उस तरह से ही था, ज़्यादा था या कम था? एज मतलब कंपेयर टू पिछले सीजन से इस बार थोड़ा फर्क है, थोड़ा बेटर आप कह रहे हैं, कम है? पिछले साल तो कोरोना का असर ज्यादा था, क्या उससे भी कम काम इस बार रहा या कोविड से पहले का जो दौर था? मेरे हिसाब से जब दिवाली का सीजन था ना उस वक्त कोरोना कम था, उस समय काम अच्छा। हाँ उस वक्त पिछले मतलब मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ कि जो पिछले सीजन में था दिवाली का काम अच्छा था, इस बार आज तो ऐसे चहल पहल सुबह थी, लेकिन अभी जो मार्केट में लोग ना ये देख रहे थे कि जो बाजार में निकलता है वो अभी हम देख रहे हैं कि हाँ, जैसे हमारे सामने खिलौने की दुकान है जहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आते हैं, अभी थोड़ा कम है
तो बाकी अब कल पे देखते हैं, कल उम्मीदें हैं कल लोग पहुंचेंगे। और ज़्यादा रश पीक पे कब होता है, पहले दिन होता है जो पहले के सालों की बात करें, या फिर सेम डे ही दिवाली वाले दिन पे ही ज़्यादा काम? नहीं, एक दिन पहले भी काम होता है, जैसे धनतेरस कल भी थी, आज कल मतलब कल और आज भी है, तो मार्केट में तो चहल पहल होती है। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि अगर पिछले साल से, क्या लगता है कारण क्या है, क्या 1.5-2 साल जो कोविड से प्रभावित रहे हैं वो फाइनेंशियली लोग वीक हुए हैं, उन्हें फाइनेंशियली झटके काफ़ी लगे हैं, नुकसान हुआ है बिजनेसमैन को भी और लोगों में, तो खरीदारी कम कर रहे हैं, पैसा कम खर्च कर रहे हैं, ये कारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। आप किस तरह से मनाएंगे दिवाली, क्या पहले भी जैसे बनाते थे या इस बार कुछ खास करने जा रहे हैं? नहीं, वैसे ही जैसे बनाते हैं वैसे ही। तो खरीदारी अपने लिए की, क्योंकि ग्राहक, आपने तो सामान तो काफी बेचा होगा अपने लिए, कल ही खरीदारी जा रहा हूँ, अभी सामान ही लेने जा रहा हूँ, तो वैसे ही जैसे हर बार सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे वगैरह भी। हाँ जी हाँ जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो काम कम था ये साफ तौर पे, ज़्यादातर दुकानदार यही कह रहे हैं कि जितनी उम्मीद थी उतना काम इस बार नहीं था। कुछ का ये कहना है कि पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा फर्क है, अच्छा है, बेटर है, लेकिन इनका कहना था पिछली बार से भी जो इनका काम था वो थोड़ा कम रहा है, काम पर असर जरूर देखने को मिला है, क्योंकि एक लंबा काल रहा है कोविड का, अभी भी हालांकि ये नहीं कह सकते कि हम कोविड से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं, लेकिन पिछले साल की अगर 1.5-2 साल की बात करें तो कोविड को पूरे देश में उसका प्रभाव देखने को मिला है, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, दुकानदारों को नुकसान हुआ है, बिजनेसमैन जो लोग हैं उनको नुकसान हुआ है। तो जी, सेवन स्टार क्लॉथ्स की तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। जी जी, चलिए आप विश करना चाहते हैं, लाइव ये चल रहा है, जी बताइए। मतलब सभी जो रियासी के हमारे व्यूअर्स हैं, रियासी अपडेट्स के, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबसे ये अपील है कि सेफ दिवाली बनाइए, पटाखे जो भी चलाए वो सेफ तरीके से, हाँ पूरे प्रिवेंशन से चलाए, क्योंकि ये कई बार रिस्क भी होता है। और सबको हैप्पी दिवाली। जी जी, चलिए सेवन स्टार क्लॉथ हाउस की तरफ से ये मुबारकबाद दिवाली की खास तौर पर देना चाह रहे हैं, और इनका ये भी कहना है कि सेफ तरीके से पटाखे चलाएं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। कुछ आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये बाजार सजे हुए हैं दिवाली के खास मौके पर। तो बंसीलाल जी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। बंसीलाल ठाकुर जी, लाइव आप इस समय रियासी अपडेट्स में हैं, क्या कहना चाहेंगे, दिवाली की रौनक किस तरह से रही और दर्शकों को किस तरह से मुबारकबाद देंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू तमाम लोगों को हैप्पी दिवाली कहता हूँ, सबको दिवाली की मुबारक देता हूँ। बाकी दिवाली पर रौनक थोड़ी बहुत रही, कोई इतनी नहीं, लेकिन पहले भी ठीक मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले क्या ज़्यादा थी, या फिर जब कोविड के पहले दिवाली का दिन होता था या उससे पहले दिन होता थे उसके मुकाबले क्या ज़्यादा थी, कम थी, या किस तरह का असर था? नहीं, पहले तो कोविड से पहले तो दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी, और आज भी धूमधाम से मना रहे थे, भीड़ होती थी मार्केट में, आज भी ठीक है इतनी, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है जितनी पहले के मुकाबले में कम है। पहले के मुकाबले में बहुत कम है। जी जी, अब और क्या कहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे, और आपका काम किस तरह से रहा, क्या ठीक रहा, और कल क्या उम्मीदें हैं कि आपकी दुकान में भी ज़्यादा लोग पहुँचे कल, या फिर आज ही ज़्यादा रश होता था लोगों का? नहीं नहीं, कल भी होगा, कल तो दिवाली है, कल भी लोग आएंगे, दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि दिवाली सब के लिए खुशहाली लाए, और हमारे लिए भी, हमारे जो जितने साथी हैं, दोस्त हैं, सब के लिए, सबको मैं एक बार फिर आपके चैनल के थ्रू सब रियासी वासियों को भी खासकर हैप्पी दिवाली कहता हूँ। जी जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बंसीलाल ठाकुर जी सभी को दिवाली की मुबारकबाद दे रहे थे, और खुशहाली लेकर आई ये दिवाली, और एक और गिफ्ट हाउस है, इसे भी, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं सजाया हुआ है, क्योंकि बच्चे भी पहुँचते हैं, और बच्चों के लिए भी खास तरह की ये खिलौने वाली गन्स जो हैं, यहाँ पे बंदूकें ये लगाई गई हैं, और ये तमाम साजो सामान का सामान आप देख सकते हैं। ये फोटो है।
तो खिलौने भी देख सकते हैं आप, यहाँ दुकान में लगाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के खिलौने हैं। तो दुकानदार हैं, खिलौनों की दुकान है, गिफ्ट हाउस है, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की दिवाली रही, ग्राहक क्या अच्छी खासी तादाद में पहुंचे, जहां संख्या कम थी पिछले बार के मुकाबले में अगर तुलना करें तो कैसी रहा आज ग्राहकों का आना जाना? ये अजय जी, कोरोना महामारी के कारण जो है ना, ग्राहकी बहुत कम रही, इतनी दुकानदारी नहीं हम कर सके जितनी पिछली बार रौनक थी, इतनी नहीं थी इस बार। आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार कोविड का असर हालांकि ज्यादा था लेकिन ग्राहक ज्यादा थे इस बार के? हाँ, फिर मास्क वगैरह पहनने थे, ग्राहक ज्यादा था। इस बार ज्यादा लोगों में पैसा नहीं है, ज्यादा कोरोना के डर से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्या है कि आइटमें महंगा है, जितनी उम्मीद थी उतने ना उतना नहीं है। कल क्या उम्मीदें हैं, कल क्या लगता है? कल की उम्मीद है, लास्ट कल दिवाली है तो कल की उम्मीद तो है कि कल काम चलेगा हमारा, क्योंकि हम तो पूरे सजावट के साथ सामान के साथ बैठे हैं आपके सामने। उम्मीद है कि कल हमारी दिवाली अच्छे तरीके से मनेगी। मुबारकबाद भी देंगे बिल्कुल सभी रियासी वासी, और रियासी अपडेट को मैं हैप्पी दिवाली बोल दूंगा। जी जी, शुक्रिया। ग्राहक भी हैं, आपसे बात करेंगे, रियासी अपडेट्स में लाइव हैं आप, क्या खरीदारी करने पहुंचे हैं खास तौर पे और किस तरह से दिवाली मनाएंगे? नमस्कार अंशी जी, मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। सभी को, रियासी वासियों को सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी जी। हाँ, और क्या क्या खरीदारी अब करने पहुंचे हैं, और कल भी खरीदारी करेंगे या आज? नहीं, कल भी करेंगे। क्या क्या खरीदारी की अभी? ऐसे देख रहे हैं अभी, कुछ देखते हैं, जो पसंद आएगा ले जाएंगे। जी जी। मुनीश भी हमारे साथ हैं, यहीं पर दुकान करते हैं, क्या कहेंगे? मुबारकबाद। नमस्कार सर, सभी रियासी अपडेट से आप सभी को मेरी तरफ से आज दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्या खरीदारी कर रहे हैं? काफी कुछ सामान लेने आ रहे हैं, बस जो भी सामान छोटा मोटा घर में लेने के लिए। कैसे बनाएंगे इस बार दिवाली, पटाखे वगैरह भी चलेंगे? सब कुछ चलेगा जी, सब कुछ चलेगा, अच्छे से मनेगी, अच्छे से, अच्छे से। जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए कुछ और दुकानों की तरफ रुख करते हैं और कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दुकानदारों में थोड़ी सी निराशा है कि इस बार उतना काम नहीं था जितनी उन्हें उम्मीद थी। तो ये देख सकते हैं, इस तरफ भी ये दुकान सजाई गई है खिलौने की, और इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दूसरी तरफ रुख करते हैं, ये देख सकते हैं दुकानें बाहर लगाई हुई हैं और साजो सामान का, जो साजो सामान का सामान है वो भी रखा हुआ है। फूल आप यहाँ पर आर्टिफिशियल फूल देख सकते हैं, इसके साथ ही बच्चों के खिलौने देख सकते हैं। ये तमाम खिलौने जो हैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि दिवाली के मौके पर लोग पैसा खर्च करते हुए भी दिखते हैं। हालाँकि दुकानदारों का कहना है कि इस बार रौनक कम थी पिछली बार के मुकाबले, या फिर कोविड के पहले के मुकाबले कुछ लोगों का कहना है पिछली बार से रौनक थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि अलग अलग तरह की दुकानें हैं, अलग अलग सामान का बेचने का काम करते हैं, तो अलग अलग असर भी उन दुकानों पर पड़ रहा है। यानी कि खिलौने वाले तो अभी ये कह रहे हैं कि इस बार इतना काम नहीं था, लेकिन कुछ दुकानदारों ने ये भी कहा कि पहले के मुकाबले ठीक था, कुछ ने कहा पहले के मुकाबले भी काम इस बार कम था। ये देख सकते हैं साजो सामान, जो भी सजावट के लिए इस्तेमाल सामान होता है वो भी है, और इसके साथ ही बच्चों के लिए भी इन्होंने खिलौने रखे हुए हैं। और ये देख सकते हैं साजो सामान, काफ़ी आकर्षक सामान यहाँ पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और जितनी भी दुकानें हमने देखी, ऐसा लग रहा है कि दिवाली पे ख़ास तौर पे उन्होंने काफ़ी कुछ इस बार लाया हुआ है, काफ़ी सामान नया भी हो सकता है। किस तरह का असर रहा ग्राहकों का, क्या लगातार ग्राहकों का आना जारी था, जितना सोचा था उतने ग्राहक पहुंच रहे थे आज के दिन, या फिर तो फिर कल पे क्या उम्मीदें हैं? कल हो सकता है। ज्यादा रश कब रहता है ग्राहकों का, आज के दिन रहता है? कल के दिन ज्यादा रहता है, दिवाली के दिन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खास तौर पे इस बार कुछ अलग अलग जो नई आइटमें हैं वो भी आपने लाई थी या पहले का ही जो सामान था? ज्यादातर चाइना का माल सोचा कि अवॉइड करें, तो ऐसे लाना पड़ता है थोड़ा बहुत, रेट कम। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोशिश है आपकी कि अवॉइड किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा क्या परचेज किया लोगों ने? नहीं, इंडियन ये लड़ियां वगैरह बिकती हैं, ये वाली सजावट के लिए लोग ले जाते हैं। आप कुछ कहेंगे दिवाली की मुबारकबाद? दिवाली का मुबारकबाद सभी मेरी ओर से है, पूरी रियासी वासियों की ओर से, मतलब दिवाली की शुभकामना। किस तरह से मनाएंगे दिवाली, क्या पटाखे वगैरह भी अच्छे से चलेंगे और क्या क्या करेंगे दिवाली? पटाखे
मतलब चलो जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका तो मन होता ही है, जो उनके लिए चलो ज़्यादा ज़्यादा मतलब पावरफुल पटाखे नहीं हो, चलो नॉर्मली हो तो उससे चलो बच्चे खुश रहेंगे, या जैसे चोरी हो जाए चक्की हो जाए तो उनके लिए तो मतलब करना ही पड़ेगा। बाकी जो मतलब या बड़ी उम्र के बंदे मतलब बंदे हैं तो मतलब बहुत अवॉइड ही करें। हाँ खास कर पूजा मतलब अर्चना मतलब अच्छा कहा जा रहा है कि शहीदों के नाम भी दिए जलाए जाएं, आप भी ऐसा करेंगे उन्हें याद सभी? हाँ 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 जे हमने क्या पूरे पूरे रियासी वासियों ने यही सोचा है, वो तो करना ही है, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। क्योंकि हम तो इस सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने देश की रक्षा की अपनी शहादत, शहीदों के लिए तो सब कुछ होना चाहिए। तो शहीदों की याद में भी दिए जलाए जाएंगे और उन्हें भी इस खास मौके पर याद किया जाएगा। कुछ और तस्वीरें आगे की आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी तस्वीरें लगाई गई हैं, भगवान की तस्वीरें हैं ये। तो ये जो पहले दुकान जहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, शायद उन्हीं का ये स्टॉल है, तो इनसे बातचीत करेंगे। तो शायद बातचीत नहीं करना चाहते क्योंकि जैसे ही हमने कैमरा इनकी तरफ किया तो वो कैमरे से बचते हुए वो तमाम दुकानदार जो है वो नजर आए हैं। तो चलिए एक और, ये शॉपिंग मॉल की तरह लग रहा है, तो यहाँ का रुख करेंगे और यहाँ की रौनक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले आपको सामान यहाँ पे जो लगाया गया है, सजाया गया है, वो उनकी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गिफ्ट आइटम्स भी हैं, खिलौने भी हैं और इसके साथ ही दिवाली के मौके पर भी इन्होंने काफ़ी कुछ जो है लाया हुआ है, सजावट का सामान भी है। इनसे भी बातचीत करेंगे और किस तरह से रौनक रही दिवाली में या फिर मायूसी रही दुकानदारों के चेहरे पर, वो इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ग्राहक भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं और क्या क्या आज दिवाली के खास मौके पर शॉपिंग करने निकले हैं या फिर आम दिनों की तरह शॉपिंग करने निकले हैं? दिवाली के लिए निकले। क्या क्या खरीदारी अभी तक की है और क्या क्या आगे खरीदारी करने जा रहे हैं? अभी तो लेना ही अभी आए हैं। ठीक है, कल भी खरीदारी करेंगे या आज ही काम खत्म करेंगे पूरा? कल पूजा अर्चना, कल भी लेना। कैसे दिवाली मनाएंगे? और आप जम्मू कश्मीर के नहीं लग रहे हैं, बाहर से हैं आप? बिहार के। अच्छा, तो घर नहीं गए इस बार? नहीं, घर नहीं। अक्सर यहीं पे मनाते हैं या फिर इधर ही रहते हैं? जी जी। तो किस तरह से दिवाली मनाएंगे? दिए जलाएंगे और पटाखे भी चलाएंगे और किस तरह से मनाएंगे? दिए भी जलाएंगे, पटाखे भी है, सब अच्छे से मनाना है। जी जी। तो बच्चे तंग करते हैं पटाखों के लिए या आप तमाम लोग भी चलाते हैं? नहीं, सारे मिलके करते हैं। जी जी जी। तो अच्छे से दिवाली इस बार मनाने जाने हैं। कोविड का पिछले 1.5-2 साल में कोविड भी रहा है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव भी देखने को मिलता है, थोड़ी फाइनेंशियल तरीके से कम खरीदारी आप करेंगे या अच्छे से खरीदारी करेंगे? अच्छे से ही लेना इस बार, अच्छे से दिवाली मनाने। चलिए, ये खरीदारी करने यहाँ पर पहुँचे हैं और एक और है यहाँ पर, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप दुकानदार हैं, दिवाली के खास मौके पर क्या कुछ खास सामान आपने लाया था जो दिवाली की सेल के लिए या फिर आम दिनों में भी ये सारा सामान आप सेल करते हैं? आम दिनों में भी होता है लेकिन हमने कुछ दिवाली के लिए भी लाया था। लेकिन किस तरह का रिस्पांस रहा, ग्राहक पहुँचे यहाँ पे अच्छी कुछ खास भी तो था नहीं, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था वैसा तो रहा नहीं, लेकिन ठीक ही रहा। लेकिन उम्मीद क्या थी, उम्मीद ज्यादा थी? उम्मीद तो ज्यादा थी लेकिन वैसा रहा नहीं जैसे होनी चाहिए। क्या था दिवाली पे खास, क्या लाया था? दिवाली पे यही हमने जो गिफ्ट आइटम लगाई है यहाँ से जो लाया था हमने, सजावट का सामान। जी, सजावट का सामान था सब कुछ हमारे पास। जी जी जी। आपसे बातचीत करेंगे, क्या क्या लाया था खास मौके पर और क्या लगभग बिक चुका है या फिर अभी काफी सामान बाकी है और कल क्या उम्मीदें हैं? काफ़ी सामान बच गया है हमारा, ज़्यादा ही बच गया है। खिलौने लाए थे और ये दिल शील टेडी बियर वगैरह ज़्यादा बचा हुआ है सर इसमें। अब कल क्या उम्मीद है, कल ग्राहक अच्छी तादाद में? मुश्किल ही है जी, कुछ लगता नहीं है कि पहुँचे, आइडिया नहीं है कुछ। तो नुकसान होने के चांस? हाँ, नुकसान ही है जी। तो ऐसे भी आम दिनों में भी ये सामान बिकता है आपका या कम बिकता है?
कम चलता है वैसे, मगर चलता रहता है हमारा तो। क्या लगता है जो कोविड काल रहा लंबे अरसे तक, अभी भी हालांकि है लेकिन अब असर कम है, तो उस कारण लोगों की जेब पर असर पड़ा है, वो खर्च कम कर रहे हैं जी, इसी कारण है, मेन कारण तो यही है इसी चीज का, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहा है तो हाँ व्यापार बंद है, बिजनेस है ही नहीं किसी का भी, और अपना इस वजह से कमी है, ये कारण। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो इन्होंने भी यही कहा कि उतने ग्राहक नहीं पहुंचे जितनी उन्हें उम्मीद थी, तो आगे की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। तो चलिए एक और दुकानदार हमारे साथ है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है इनकी, एक और दुकान है। सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि लाइव इस समय आप रियासी अपडेट्स में हैं, ये जानना चाहेंगे कि कारोबार कैसा रहा, जो उम्मीद थी दिवाली के मौके पर जितनी सेल होगी, जितना सामान प्रोडक्ट्स बिकेंगे आपके, उतनी सेल हुई है, उससे ज़्यादा हुई है या कम हुई है? थोड़ी कम हुई है। हाँ, क्या लगता है क्या कारण होगा, क्या कोविड का जो डेढ़ कोविड के कारण के कम हुई है? हाँ, काम नहीं रहे थे उस समय, पैसा तो है नहीं लोगों के पास, तो बस काम तो कम होना ही है। तो अब क्या कल के ऊपर क्या कल है, मेहनत थोड़ी हो जाए तो काम तो अच्छा है। खास इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट मशीनें आपने लाई थी, कुछ प्रोडक्ट लाए थे? नहीं, निकला है माल, तो निकला है थोड़ा थोड़ा, बाकी कल वे ऊपर है। अब कल आप किस तरह से दिवाली मनाएंगे, ये तो कारोबार की बात हो गई, आप इस बार कोई खास तरीके से मनाएंगे या जैसे रूटीन में बनाते हैं? जैसे रूटीन में बनाते हैं ऐसे ही। पटाखे भी चलाएंगे? पटाखे तो चलाएंगे थोड़े जी, अच्छे से दिवाली इस बार। हाँ चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक बर्तन की दुकान पे, जो कि म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनकी ये दुकान है और वो भी हमें इस दुकान पे मिल गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, कुछ तस्वीरें उसके पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने भी दुकान जो है सजाई हुई है, क्योंकि इस मौके पर धनतेरस के मौके पर लोग बर्तन खरीदते थे, वो धनतेरस तो हो गया, अब दिवाली है और दिवाली के मौके पर भी लोग ख़रीदारी करते हैं और बहुत से लोग बर्तन खरीदते हुए भी दिखते हैं। तो इस खास मौके पर लोग मार्केट में पहुंचते हैं और अलग अलग सामान जो है उसे परचेज करते हैं, खास तौर पे पटाखों की ख़रीदारी भी करते हैं, पटाखे चलाते हैं। एमसी म्यूनसिपल काउंसिल रियासी के प्रधान, माफ़ करिएगा, चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा, एज ए चेयरमैन मैं अभी बात नहीं करूँगा, एज ए दुकानदार आपसे बात करूँगा कि किस तरह का कारोबार था, क्या पूरा दिन आप दुकान पे थे, रिस्पांस क्या था, उम्मीदों के हिसाब से रहा या कम रहा ज़्यादा रहा? हाँ जी, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा दिवाली की आपको, आपके चैनल को और रियासी वालों को, रियासी के डिस्ट्रिक्ट वालों को बहुत बहुत बधाई दिवाली की। आपने काम की बात की, मैं समझता हूँ कि जितना आपको पता है कि पिछले साल भी कोरोना रहा, उस वक्त तो बिल्कुल ही काम नहीं था, लेकिन इस बार जो है वो मार्केट में कुछ अच्छा दिखाई दिया, अच्छी शॉपिंग हुई लोगों की। ये हमारा दिवाली का त्यौहार था, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से हमारा दो दिन निकल गए हैं और कल भी मुझे उम्मीद है कि ये भी दिन जो है अच्छे तरीके से निकलेगा। आप अच्छा पिछले साल के मुकाबले कह रहे हैं, या जब कोविड नहीं था, दो साल पहले की अगर बात करें उसके मुकाबले ज़्यादा था, या फिर मैं दो साल पहले की बात कर रहा हूँ और कोविड की भी बात कर रहा हूँ, तो जितना काम दो साल पहले था मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ा सा 10% या 15% कम हो सकता है अभी, लेकिन पिछले साल से अभी बहुत ज़्यादा काम था। इस वक्त दो दिन जो है अच्छे निकले, मैं पूरा दिन दो दिन मार्केट में ही रहा, और ये बर्तन की बात नहीं करूंगा, ओवरऑल मैं बात करूंगा, सब दुकानदारों का कहा कि इतना काम नहीं था जितनी उन्हें उम्मीद थी। चलिए म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते आप इस बार किस तरह से दिवाली मना रहे हैं, और क्या म्यूनसिपल काउंसिल की बिल्डिंग में भी कोई दिए जलाए जाएंगे, और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें याद करने के लिए भी दिए जलाने की बात हो रही है, क्या आप भी जलाएंगे? देखिए राहुल जी, मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी हमारी रियासी की जनता है, मैं उनको ये अपील करूँगा
कि शहीदों के नाम का एक दिया अपने घर पे जरूर जलाएं। अगर आप 10-20 दिए जलाते हैं ऐसे तो एक दिया उनके नाम का जरूर जलाएं। और दुकानदारों से ये अपील करूँगा कि अपनी अपनी दुकानों पे जगल मारा करें, क्योंकि ये हमारा एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आपको पता है कि कब का हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा राम मंदिर बने। और मैं समझता हूँ कि आज राम मंदिर का नींव पत्थर रख गया है, काम शुरू हो गया। आप जैसे आपको पता है कि हमारी टीम जो है रियासी की, एक तो मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा कि रियासी की रामलीला जो है आज अयोध्या में भी कल आपको दिखाई देगी, क्योंकि कल हमारे जो कलाकार थे वो रियासी से चले गए हैं। और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, तो क्या मैं समझता हूँ कि रियासी के लिए बहुत बड़ी एक मुबारक की बात है कि हमारी दुर्गा नाटक मंडली जो है वो अयोध्या में जो है हमारी रामलीला करने वाली है। पटाखे भी चलाएंगे आप? देखिए राहुल जी, मैं तो अभी की बात नहीं करूँगा, मैं पहले से भी पटाखों से थोड़ा दूर रहता हूँ, मैंने पटाखे कभी चलाए नहीं हैं। हाँ, कभी कोई पार्टी की तरफ से कोई जीत जाता है तो उस वक्त थोड़ा 2-4 पटाखे जरूर चलाता हूँ, लेकिन जो इस वक्त जो हमारा जो त्यौहार है उसमें मैं कम पटाखे चलाता हूँ। और घर वालों को यही बोलता हूँ कि आप कम पटाखे चलाएँ, क्योंकि आपको पता है पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन त्यौहार है, त्यौहार तो मनाना पड़ेगा, चाहे थोड़े चलाइए चाहे ज़्यादा चलाइए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने घर में जो है मैं कम पटाखे चलाता हूँ। जी जी, चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ और लोगों से बात करेंगे और तस्वीरें आपको कुछ और दुकानें की दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि कारोबार अच्छा था, बहुत से दुकानदारों ने कहा कि कारोबार में कमी थी, ग्राहक कम संख्या में पहुंचे, लेकिन इनका कहना था कि कारोबार ठीक था, पहले के मुकाबले इस बार ज़्यादा संख्या में ग्राहक पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं अब समेटते हुए भी भगवान की तस्वीरें जो हैं दुकानदार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब दुकान बंद करने का शायद इनका समय हो चला है। और ये एक ख़ास चीज़ आप देख सकते हैं, मोमबत्तियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, अलग अलग कलर्स हैं, क्योंकि इस ख़ास मौके पर लोग घरों में रंगोली बनाते हुए भी दिखते हैं। तो रंगोली के लिए जो रंग इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर सेल करने के लिए ये स्टॉल लगाया गया है। और हर साल हम देखते हैं कि इस स्थान पर अपनी दुकान के बाहर ये दुकानदार जो हैं वो रंगोली का जो रंग है, जो कलर है, वो बेचते हैं, ताकि और रंगोली लोग घरों में बनाते हैं और ताकि उनकी जो दिवाली है वो और ज़्यादा कलरफुल हो सके। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या रिस्पांस रहा, आ रहे हैं रंगोली के लिए, कलर लेने के लिए लोग यहाँ से? ठीक ठीक है सर, ठीक है, जितनी उम्मीद थी ठीक है, नहीं जितनी जितनी उम्मीद थी उससे कम ही है। इस बार रौनक नहीं है दीपावली की, इतनी रौनक नहीं है। जिस तरह से दीवाली के पहले दिन अच्छी खासी तादाद में लोग दिखते थे, वैसे आप ये कह रहे हैं इस बार नहीं? इस बार नहीं दिखे बिल्कुल भी। कल आएंगे लोग, क्या उम्मीद? अब कल देखो, कल रखिए उम्मीद, देखो अब क्या होता आगे। तो कलर आपके कम बिके हैं? कम बिके हैं। और क्या क्या सामान आपने रखे? ये रखे हैं, रंगोली रखी है, पाँव रखे हैं, कैलेंडर वगैरह रखे हैं, तो कैंडल वगैरह रखी है। रंगोली के लिए कुछ खास तरह से कलर्स आते हैं, जो आम कलर होते हैं? हाँ जी, रंगोली वाले ये खास कलर आते हैं, इसी से रंगोली अच्छे से बन जाती है। हाँ जी हाँ जी जी। चलिए यही करते हैं कि कल ज़्यादा संख्या में ग्राहक पहुँचेंगे और जो दुकानदारों ने अलग अलग सामान रखा है बेचने के लिए, वो उनकी सामान की खरीदारी होगी। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक रेडीमेड की दुकान है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से रहा कारोबार आपकी, कपड़ों की, रेडीमेड के कपड़ों की दुकान है, तो पूरा दिन कैसा रहा और जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा ग्राहक पहुँचे, कम पहुँचे, और कल के लिए क्या उम्मीद है? देखिए, हमारा काम तो लगभग इस बार नॉर्मल ही रहा, क्योंकि इस बार तो दिवाली फीकी लग रही है, मार्केट में इस बार कम संख्या में लोग आ रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं इसमें, जैसा कि महंगाई इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, उस वजह से लोगों को इस समय शायद लोगों के पास पैसों की कमी है, शॉर्टेज है, लोगों ने अपना घर भी चलाना होता है, इसी वजह से साल कोविड का दौर भी रहा, अभी भी है। हाँ, कोविड वो भी इशू है, लेकिन महंगाई बहुत है। देखिए, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं इस समय, तो लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। फिर भी थोड़ी बहुत रौनक थी, हम उम्मीद करते हैं कि कल शायद बाजार मार्केट में रश होगा।
आप किस तरह से मनाने जा रहे हैं इस बार की दिवाली? देखिए, हम तो जैसे अपने परिवार के साथ मनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और छोटे मोटे बम पटाखे चलाएंगे, ठीक है। हम सभी रियासी वालों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। शहीदों के नाम भी दिए जलाने की बात हो रही है, क्या आप पहले ऐसा करते हैं या इस बार करेंगे? हमने पिछले बार भी दिया जलाया था और हम इस बार भी चलाएंगे, और सभी रियासी वालों को हम बोलते हैं कि अपने अपने घर में एक शहीदों के नाम से दिया जरूर जलाएं। जी जी, चलिए, क्योंकि शहीदों ने देश के लिए बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, और ऐसे मौके पर जब लोग तमाम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो ऐसे मौके पर उन्हें भी याद करना बेहद ज़रूरी है, और उनके परिवार वालों को भी लगे कि लोगों ने उनके बेटों को, उनके भाई को याद रखा है, उन शहीदों को याद रखा है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान जो है वो दिया है। आगे की तरफ रुख करेंगे, रियासी के बस स्टैंड की तस्वीरें अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बस स्टैंड में इस समय किस तरह की रौनक है, क्या ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं या अभी जो लोग हैं काफ़ी कम संख्या में हैं, क्योंकि वक्त अब थोड़ा ज़्यादा हो चला है। आमतौर पर 5-6 बजे के करीब जो है वो रौनक ज़्यादा देखी जाती है, तो अभी की तस्वीरें इतनी ज़्यादा रौनक नहीं है। ये हलवाइयों की दुकानों के बाहर, स्वीट शॉप के बाहर की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा पीछे से ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं शर्मा स्वीट्स, जम्मू स्वीट्स, ये दो दुकानें हैं, और इसके साथ ही तीसरी दुकान सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये तीन शॉप जो है वो एक साथ हैं, और रियासी के बस स्टैंड में ये तीनों दुकानें जो हैं वो हैं, और एक साथ ये तीनों दुकानें हैं, और सजावट आप तस्वीरों में इस समय इन दो दुकानों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि मिठाई जो है वो अधिक मात्रा में आम दिनों से बनाई गई है, क्योंकि दिवाली के मौके पर मिठाई की खरीदारी भी होती है और काउंटर भी सजाए गए हैं, लाइट अप किया गया है काउंटर्स को, और जगमगा भी रहे हैं काउंटर, और काउंटर बाहर भी निकाले गए हैं, ज़्यादा मात्रा में मिठाई जो है वो बनाई गई है। रियासी के बस स्टैंड से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो दुकानदार जो यहाँ पे बैठे हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से काम था आज? ग्राहक ज़्यादा अच्छी खासी तादाद में पहुँचे थे, मिठाई की खरीदारी हुई है या कम मात्रा में खरीदारी हुई है? जो उम्मीद थी, जितने ग्राहक पहुँचेंगे, जितनी मिठाई आपने बनाई थी उस हिसाब से ग्राहक पहुँचे या कम मात्रा में? नहीं, जो उम्मीद थी ना हमारी, उस हिसाब से तो कोई पहुँचा नहीं है, बहुत कम है। मिठाई ज़्यादा बनाई थी आप? मिठाई तो उतनी हम जितनी हर साल बनाते हैं उतनी है। तो अब क्या उम्मीदें हैं कल का दिन? कल पे उम्मीद है। कल पे क्यों आज कम निकले? क्या कम पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, ये भी एक कारण है या कल निकले में लोग? वो भी कारण है, लॉकडाउन की वजह से सब लोग परेशान हैं इसमें, तो कल उम्मीद है। मार लगी है लोगों को फाइनेंशियली, थोड़े बिल्कुल बिल्कुल कारण भी पैसा कम। चलिए, तो कारण जो निकल कर सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जो पिछले साल लॉकडाउन हुए थे, लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ था, दुकानदारों को नुकसान हुआ था, और तमाम लोगों को जो दिहाड़ीदार हैं वो उनकी इनकम जो है वो बंद हो गई थी, उनको दिहाड़ी मिलना बंद हो गई थी, क्योंकि काम नहीं था, काम बंद था, लॉकडाउन था, बाहर नहीं निकल सकते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अब पैसा भी कम खर्च कर रहे हैं या फिर सोच समझ कर पैसा खर्च कर रहे हैं। और इससे पहले जब हमने एक रेडीमेड की दुकान में बात की तो उन्होंने ये कहा था कि महंगाई भी एक कारण हो सकता है, महंगाई, क्योंकि हमने एक दो दिन पहले ही स्टोरी की महंगाई पर, आपने देखा कि रिएक्शन जो पब्लिक का था किस तरह से था, महंगाई से लोग कितना त्रस्त हैं। तो हर एक सामान का जो रेट है वो जाहिर तौर पर आज पिछले साल की तुलना में बड़ा होगा, कुछ एक चीज़ों को छोड़कर। तो ऐसे में महंगाई भी एक कारण हो सकता है कि लोग कम मात्रा में खरीदारी जो है वो कर रहे हैं। ये भी देख सकते हैं जम्मू स्वीट शॉप है ये, और सजाई गई है, लाइट अप भी किया गया है काउंटर को, इनसे भी बातचीत करते हैं। खासी संख्या मात्रा में मिठाई जो है वो यहाँ पे लगाई गई है।
मिथुन जी पहुंच रहे हैं लोग, जो उम्मीद थी उसके मुताबिक या फिर कम मात्रा में लोग आ रहे हैं? मेरे को लग रहा है कि महंगाई के कारण ही थोड़ा सा फर्क पड़ा है मार्केट में, और एक तो ये भी कारण है महंगी हुई है पिछले साल या दो साल की तुलना में। हाँ, उसमें भी रेट में तो नेचुरली बात है, जब हर एक चीज़ महंगी हुई होगी तो मिठाई में फ़र्क पड़ा होगा रेट का। और एक तो वो भी है, दूसरा नंबर लोगों की जो अभी जो चार दिवाली है कल, और लोगों को अभी जो तनख्वाह वगैरह है वो भी नहीं मिली है, उस वो भी एक कारण है मार्केट में मंदी। मतलब हमें तो उम्मीदें हैं कि जो बिक जाएगी, लेकिन हमने ऐसे भी क्वान्टिटी में कम ही बनाई है। आप किस तरह से दिवाली मनाने खास होगी या नॉर्मल जैसे पहले मनाते हैं पटाखे? नहीं, हम ऐसा है कि पिछले साल से फिर भी थोड़ी अच्छी मनाएंगे, क्योंकि पिछले साल तो हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन इस बार फिर भी हालात अच्छे हैं, और हम जो जाते हैं भगवान से यही दुआ करते हैं कि हालात आगे भी अच्छे रहे। जी जी, चलिए, तो हालात आगे भी अच्छे रहे, इस बार पहले से हालात अच्छे हैं और कोशिश यह है कि पहले से अच्छे तरीके से दिवाली मनाई जाए। देख सकते हैं अलग अलग तरीके से जो अलग अलग दुकानें हैं, उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर जो दिवाली से जुड़ा सामान है, जो दिवाली के त्यौहार पर खास तौर पर इस्तेमाल होता है, उस सामान के स्टॉल्स अपनी दुकानों के बाहर लगाए हुए हैं। अब ये करियाना की दुकान है और इन्होंने बाहर आप देख सकते हैं दिवाली से जुड़ा सामान भी रखा हुआ है, और दिवाली के मौके पर लोग भी पहुँच रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा उम्मीद से कम ग्राहक जो हैं वो पहुंचे हैं, जितनी लोगों को दुकानदारों को उम्मीद थी उसके तुलना में कम लोग जो हैं वो पहुंचे हैं। रंगोली का सामान आप देख सकते हैं, दिए आप देख सकते हैं, और एक ग्राहक भी ये सामान लेते हुए। तो दुकानदार इनसे बातचीत करते हैं, कन्या रिया कामकाज कामकाज थोड़ा ये मंदे जाए इस बारी, उम्मीद मुताबिक नहीं है? नहीं है, उम्मीद ज्यादा ही, उम्मीद ज्यादा है, थोड़ा मंदा ज्यादा। कल देखो के बनता भला, कल करने उम्मीद है ना? कल 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 उम्मीद है हमारा। तुसें कियां बनानी है इस बार दिवाली अच्छे तरीके से बनानी है, क्योंकि हुन थोड़ा असर जेका कोविड दा कट आला की प्रिकॉशन अली भी लेने? देखो जी पटाके चलाने, पटाके नहीं चलाते महाराज अस, बच्चे तंग करते होने कार, बच्चे भी नहीं चलाते, तो अस आपे भी नहीं चलाते, हाँ दीए तो बालना पौते ने, कि अपना रसम तो पूरी करना पौती है। शहीदें ना का भी दीया इस बार चला गए, क्योंकि सोनू को चलाओ जी। जी जी, चलिए तो इनके बेटे भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करते हैं, और ग्राहक यहाँ पहुँचे हुए हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करें। एक ग्राहक यहां पे पहुंचे हैं और खरीदारी दिवाली से जुड़े सामान की कर रहे हैं। लाइव इस समय आप रियासी अपडेट्स में हैं, क्या क्या खरीदारी अभी तक आपने की है, और क्या तमाम जो खरीदारी करनी थी आज कर ली है, कल फ्री होंगे, कल अच्छे से दिवाली मनाएंगे या कल भी खरीदारी करेंगे, और किस तरह से मनाने जा रहे हैं इस बार दिवाली? हम आज तो मोमबत्ती वगैरह ले रहे हैं, अभी क्रैकर्स भी लेने हैं, थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि अभी हमें क्या क्या जो हमारी नीडफुल जो चीज़ हाँ, नीडफुल चीज़ें पूरी जो चीज़ आ रहे हैं, अभी हम पहले गए थे थोड़ा सा शॉपिंग पहले की, थोड़ी उसके बाद और करेंगे, घर से और फोन भी आ जाएंगे तो अभी भी जस्ट अभी अभी फोन आया था कि फलानी फलानी चीज़ ले लो, तो हम ले रहे हैं, तो कल भी शॉपिंग होगी, कल तो मिठाइयों का हम थोड़ा सा वो करेंगे, तो आज हम पहले तो हम जो मोमबत्ती जो दीपों का त्यौहार है हमारा, दिवाली त्यौहार है, बहुत ही हम तो
शुक्र कर रहे हैं कि हमारे जो राम जी आए इतने दिनों के बाद हमारे पास आए हैं, तो हम और हमारी जो आज दुर्गा नाटक मंडली की टीम जो वाला था, और आपको ये बता देंगे इनके ब्रदर भी उसमें शामिल है, रावण का हरीश मगोत्रा जी, उन्होंने रावण का किरदार किया था और शानदार किरदार निभाया था और वीडियोस वायरल हुए थे। अब अयोध्या में जाकर दुर्गा नाटक मंडली, श्री दुर्गा नाटक मंडली के कलाकार 5 तारीख को वहां पर शुक्रवार रामलीला का मंचन करेंगे। हरीश मंगोत्रा जी के ही ये ब्रदर हैं। जी जी जी, तो कहने का मतलब जो हमारी रियासी में जो भी है ना, ये सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है दिवाली, जो है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बढ़ चढ़ कर जैसे भी हो। क्या काम क्या करते हैं? मैं सर श्राइन बोर्ड वैष्णो, श्री माता वैष्णो देवी। मिलेगी या पहले नौकरी जाना पड़ेगा? सर हमें छुट्टी नहीं, हम एक्चुअली में हम शिफ्टवाइज करते हैं सर्विस, तो हमें कल जाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि हम आज भी जल्दी आ गए थे और हो सकता है कि माता रानी की दया रही तो हम कल भी जल्दी आ जाएंगे। वहाँ भी दिवाली जैसा माहौल होगा, ऑफिस में भी थोड़ा मुबारकबाद चलेगी? सर ऑफिस में क्या है कि एक्चुअली में क्या होता है कि हम जो हमारे स्टाफ तो सारा छुट्टी में रहेगा, मैक्सिमम स्टाफ छुट्टी में रहेगा, जो शिफ्ट वाइज स्टाफ होगा तो उसको भी जो जाने वाला होगा तो उनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो वो चले जाएंगे, तो जो रहेगा तो वो उनके लिए तो उधर ही दिवाली है, घर में भी दिवाली तो बाहर भी दिवाली का त्यौहार ही ऐसा है, जहाँ मर्जी रहो वही फीलिंग है, वो फीलिंग हर समय रहेगी क्योंकि वो एक्साइटमेंट है। ये हमारा जो पर्व है ना, तो दैट इज़ द वेरी बिगेस्ट आवर हिंदुइज्म, द लॉट ऑफ आई नो यू नो वेरी वेल। मुबारकबाद भी देंगे तमाम लोग। मैं तमाम जनता को यही बोलता हूँ कि प्लीज़ अपने त्यौहार को सेलिब्रेशन करिए और उनको ऐसा करिए कि ठीक है किसी को दुख ना पहुँचे और किसी के बहकावे में भी ना आए कि भाई हम ये नहीं हो सकते, पटाखे फोड़ेंगे हम, आतिशबाजी भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे और पर्यावरण का ध्यान भी रखेंगे। चलिए अच्छी बात इन्होंने कही कि पर्यावरण का भी ध्यान रखें लेकिन पटाखे भी चलाएंगे क्योंकि त्यौहार है और त्यौहार को ये अच्छे से मनाएंगे। तो चलिए आगे की तरफ रुख करते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। मुबारकबाद देना चाहेंगे रियासी की तमाम जनता को, अभी लाइव हैं आप रियासी अपडेट। रियासी की जनता को, रियासी नगरी में जितने शहरवासी रहते हैं सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, तो कोई महंगाई का असर इस दिवाली पर? महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत है, असर पड़ेगा खरीदारी पर, बहुत पड़ेगा। त्यौहार अच्छे से मनाएंगे या फिर डील ऐसे रखेंगे? ऐसे नॉर्मल ही होगा जी, नॉर्मल तरीके से मनाएंगे क्योंकि महंगाई का असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि आज का दिन अच्छी खासे जो तादाद में लोग हैं पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर मुश्किल दौर से हमारा देश जो है वो गुजरा है, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा भी नहीं है क्योंकि बेरोजगार लोग हुए थे, तो ऐसे में उसका असर भी हो सकता है जो मार्केट पर पड़ा हो। अब कल देखना होगा कि कल कितनी तादाद में लोग पहुंचते हैं और कैसा काम रहता है, आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रियासी के बस स्टैंड में इस समय हम हैं और बस स्टैंड की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस समय आप जनरल जोरावर सिंह जी का जो प्रतिमा है, उनकी स्टैचू है, वो आप इस समय देख रहे हैं और एक और जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत करते हैं लाइव। आप इस समय रियासी अपडेट्स में हैं, क्या कहेंगे, दिवाली का कल त्यौहार है, कामकाज कैसा देखा आपने क्योंकि आप यहाँ पे बैठे होंगे, पीछे आपका ढाबा है, और दूसरा कि क्या उम्मीदें हैं, कल भी काम अच्छा रहेगा और किस तरह से दिवाली आप मनाने जा रहे हैं और लोगों को क्या मुबारकबाद देंगे? पंची जी, सबसे पहले तो मैं आपके थ्रू आपको और सारी रियासी की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। तो दिवाली देखिए त्यौहार है, लोगों के मन में उमंग भी होती है, खुशी भी होती है, लेकिन जिस तरह से हम मार्केट वाइज देखें, इकोनॉमिकली देखें, व्यापार के हिसाब से देखें, तो उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं लग रहा है जिस तरह से हम लॉकडाउन हुए, बेरोजगार हाँ, लोगों के पास पैसे की भी कमी है, पीछे अब लगातार महंगाई भी बहुत हो गई है, अब लगातार देख रहे हैं, पिछले साल भी लॉकडाउन रहा, इस साल भी लोग मतलब अंदर से फाइनेंशियली बहुत लोग वीक हो चुके हैं, वो कारण आप समझते हैं? हाँ, क्योंकि आपने भी देखा होगा बाजार में घूमते हुए
ऐसा कभी नहीं कि काम उतना नहीं था जितनी उम्मीद। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि अगले दिन दिवाली के पहले दिन हलवाई की दुकान पे रश ना हो। भाई रश तो छोड़ो, अभी मैं बाहर वहां से ही आ रहा देख रहा था कि इक्का दुक्का कस्टमर भी नहीं था। तो ये दो कारण आपका मुख्य कारण, ये एक महंगाई और ये जो लॉकडाउन जो रहे ना। देखो इस साल भी एक डेढ़ महीना दो महीने लगा लो आप चला, पिछले साल भी तीन चार महीने कुल मिला के बिजनेस। तो मैं खुद भी बिजनेस मैन हूँ तो आपको ये कहूँ, काम अभी मतलब उस पोजीशन में जो बिफोर लॉकडाउन वाली पोजीशन है उसमें आ ही नहीं रहा है, जबकि हमारा रिटेल बिजनेस है, रिटेल में इतना होना नहीं चाहिए था फर्क, लेकिन है, लोग उस तरह से बाहर नहीं आ रहे हैं। अच्छा कुछ कुछ कोरोना का डर भी है। देखो जैसे अभी हमारे टीवी चैनल जन सब तरफ से न्यूज़ भी आ रही कि अभी कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ, वो भी एक फैक्टर है। तो कुल मिला के हर फैक्टर का थोड़ा थोड़ा असर लगाओ तो कुल मिला के अब देख रहे हो कुछ दिवाली। चलिए ये तो हो गई व्यापार की बातें, काम काज की बातें। आप किस तरह सेलिब्रेशन करेंगे इस बार जैसे पहले करते थे, वैसे यहाँ इस बार थोड़ा खास है क्योंकि कोविड के दौर से थोड़ा असर कम हुआ है, तो वो खुशी उस तरह से ज़्यादा? खुशी तो उतनी ही है मन में, देखो मन में तो वही खुशी है, वही फीलिंग है। अब इस एज में आके हमें तो वैसे बच्चों की तरह वो तो करना नहीं है, हम तो घर में जिस तरह से मनाते हैं घर में तो उसी तरह से मनाएंगे। तो बाकी दिवाली का पर्व आपके लिए क्या है, एक खास फीलिंग रहती है उस दिन, दिन शुरू होते ही वो फीलिंग एक खास आती है, वो आती है, वो ऑटोमेटिकली आती है, वो आम दिनों में नहीं आती, आती है दिवाली में। एक मार्केट आओ कहीं भी, एक अलग सा एटमॉस्फेयर दिखता है, आपको लगता है यार आज जैसे होता है कुछ खास दिन है। फिर एक जैसे आज हमारी समझ है सब कुछ है, तो हम सुबह उठ के जैसे पहले भगवान को मंदिर भी मथा टेकते हैं, फिर रात को पूजा करते हैं, तो एक मन में फिर वो अपनी उस चीज़ को याद भी निकाल भी होता है मन में कि कैसे रामचंद्र जी वापस आए थे, तो लोगों ने उस समय को, मैं तो उस समय को भी मेजर करता हूँ, उस समय लोगों ने कैसे दिए जलाए होंगे, किस तरह का एटमॉस्फेयर होता होगा उन दिनों, क्योंकि तब तो गाँव ही गाँव होते हैं, शहरों का तो या इस तरह का ना लाइटनिंग या कुछ, तो उन लोगों को भी मेजर करता हूँ कि लोग किस तरह से खुशी मनाते थे। तो हमारी परंपरा है उसी तरह से धीरे धीरे चलते चलते आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं आने वाले। बाकी देखिए आप हर पाँच छः दस साल बाद स्वरूप थोड़ा बदलता ही है, जनरेशन चेंज होती है, जिस तरह से इस तरह दिवाली हर त्यौहार किसी चीज़ का स्वरूप बदलता है। अब आज जो है ये भी आपको अगले 50 साल बाद इस तरह का नहीं होगा, तो जो उस समय के जो जिस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, जो जनरेशन होती है वो अपने तरह से। बाकी ये एक बात बाकी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक यही त्यौहार ऐसा है जिसमें दिवाली मतलब सब तरफ एक ही जैसा एटमॉस्फेयर होता है, सब लोगों की एक ही जगह कोई, हाँ जैसे हमारे पोंगल आता है कुछ आता है वो साउथ इंडिया में है, अब हमारी लोहड़ी है वो है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में रहती है। तो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जैसी मतलब फीलिंग रहती है लोगों में, और सब तरफ एक साउथ इंडियन के शख्स मिले भी थे, उन्होंने भी बताया कि अच्छे से वो दिवाली मनाते हैं और साउथ इंडिया के हैं, शहीदों के नाम भी दिया जलाएंगे, उन्हें भी श्रद्धांजलि देंगे क्योंकि उनके परिवार वालों को भी लगे कि देश और लोग उनके साथ हैं। ये जब से 90 करगिल युद्ध हुआ था और वाजपेयी जी ने ये परंपरा चलाई थी, ये तब से हम हर साल एक दिया उनके नाम से भी जलाते हैं, तब से अब ये हमारी एक परंपरा बन गई है कि एक दिया हम सबको इस दिन, खास तौर पे जब सेलिब्रेशन चल रही है, तो ये सेलिब्रेशन हम क्यों कर पा रहे हैं ये याद करना जरूरी है, किन के कारण कर पा रहे हैं। देखो हम अगर यहाँ बैठे हैं सेफ फील कर रहे हैं, कुछ नहीं आराम से घूम रहे हैं, टाइम क्या हुआ कुछ जहाँ तक नहीं देखते हम क्या है, वो फीलिंग किस वजह से है, इसी वजह से है कि कोई वहाँ खड़ा है जिसको इस चीज़ की फिक्र है कि हमारे देशवासी आराम से अपने शांति से अपने त्यौहार मना सकें, तो इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है उनको, और कुछ कर नहीं सकते हैं, चलो इस मौके पे उनको याद तो कर रहे हैं कम से कम। तो पटाखे खरीदारी कर ली बच्चों के लिए या फिर वो कम खरीदारी करते हैं? नहीं आपको पता है मेरी फैमिली जम्मू में है, तो इसलिए अब कल से शाम को जाएंगे, बच्चों ने वहाँ खरीद लिए होंगे अपने हिसाब से थोड़े बहुत। तो चलिए शुक्रिया हमसे बात करते, शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो शहीदों के नाम भी दिया जलाया जाएगा क्योंकि हम सेफ हैं, क्योंकि जो जवान हैं सरहदों पर हैं, और बहुत से जवानों ने देश की आन बान शान के लिए अपनी सर्वोच्च जो बलिदान है वो दिया है, जिस कारण आज हम सेफ यहाँ पर चल फिर रहे हैं। दिवाली सेलिब्रेशन कल हम करने जा रहे हैं और हर बार करते हैं। तो चलिए ये रियासी के बस स्टैंड की तस्वीरें हैं और ये ख़ास रिपोर्ट थी हमारी दिवाली के मौके पर, और दुकानदारों से बातचीत की, कुछ और ग्राहकों से जो दुकानों में पहुंचे हुए थे उनसे भी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से लोग दिवाली मना रहे हैं और कारोबार पर क्या असर रहा। ज़्यादातर दुकानदार तो ये अभी कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा ग्राहक नहीं थे, दिवाली
पर जितनी रौनक होनी चाहिए थी उतनी रौनक नहीं दिखी है। कुछ एक ने ये भी कहा कि ठीक था, अच्छी तादाद में लोग पहुंचे, ग्राहक पहुंचे और ख़रीदारी की। कल का दिन भी है और कल का दिन हो सकता है अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे, और कारण ये भी निकल कर सामने आ रहे हैं कि लॉकडाउन से ये देश जो है वो गुज़रा है, रियासी भी उससे गुज़रा है, और महंगाई भी ज़्यादा है, तो हो सकता है ये कारण भी हो कि लोग कम ख़रीदारी थोड़ी पहले के मुकाबले कर रहे हों और कम संख्या में मार्केट में पहुंच रहे हो। लेकिन उम्मीद यही है कि तमाम लोग अच्छे से दिवाली मनाएंगे, और कल दिवाली के मौके पर भी आपको अलग अलग स्थानों की कवरेज दिखाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल इस हमारी खास पेशकश में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।